तो बेसिकली कल हम जो पढ़े थे है ना, एंड में जो पढ़े थे जाके है ना, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड सन, ऑर्बिटिंग अराउंड सन, ये हमने कल पढ़ा था कि जब प्लैनेट है ना सन के अराउंड है ना मूव करते हैं तो उनका वेलोसिटी क्या होता है, मूव मोशन का ना वेलोसिटी बेसिकली कितना होता है, उसका एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था है ना। और इसमें हमने एक एजम्पशन लिया था बच्चों, एजम्पशन क्या था, व्हाट वाज द एजम्पशन, एजम्पशन ये था है ना, एजम्पशन ये था वी हैड एज्यूम दैट द ऑर्बिट्स आर, ऑर्बिट्स आर विच ऑर्बिट्स, हम ये एज्यूम कहते हैं जो ऑर्बिट्स है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स है ना, है कि नहीं बच्चों। तो बेसिकली जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ये एज्यूम किया था हम लोगों ने है ना। तो एज्यूमिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स है ना, एज्यूमिंग सर्कुलर ऑर्बिट्स हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या था, जी एम बाय, जी एम बाय है ना स्मॉल आर या फिर ए कुछ भी ले सकते हैं ना, अंडर रूट, ठीक है ना, वेर आर इज द है ना रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, या फिर हम बोल सकते हैं सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट है ना, या फिर ये भी बोल सकते हैं लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, समझ में आया बच्चों है ना। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट्स। फिर हमने टाइम पीरियड भी फाइंड आउट किया था, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या था बताओ बच्चों, टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्या था, 2π/√g आर और 2π/3 ना टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का एक्सप्रेशन क्या आया था, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन वाज लाइक है ना टी इज इक्वल टू 2π/√ जीएम जीएम आर टू द आर पावर 3/2। 3/2 और हमने ये भी कंक्लूड किया था कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है ना। आई हाँ, और ये कौन सा लॉ है, ये केपलर है थर्ड लॉ। हाँ केपलर्स थर्ड लॉ जो आगे जाके हम पढ़ेंगे ना। तो ये बेसिकली है केपलर्स थर्ड लॉ है ना, जो कि जाके हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके आगे क्या है कि है ना, व्हेनेवर प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग है ना अराउंड सन। अच्छा बच्चों इतना लिख लिया था ना, ये रिटर्न है ना जो कल यस एब्सेंट सर, थे वो लिख लिया है ना। और इसको छोड़ के भी हमने कुछ और डेरिवेशन किया था है ना, ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास में इतना ही पढ़े थे हम लोग। तो बेसिकली प्लैनेट्स सन के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट सर कर, हाँ बोलो, प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। प्रीवियस स्लाइड दिखाएं, एक मिनट। एक मिनट, अगर मान लो कि प्लैनेट्स जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, उनका टेंजेंशियल वेलोसिटी वी है सन के अराउंड, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है ना,
कि वेलोसिटी वी इज इक्वल टू जी है ना एम बाय स्मॉल आर अंडर रूट है ना। यहाँ पे बेसिकली एम क्या है, किसका मास है, प्लैनेट का मास या सन का मास है ना। एम इज मास ऑफ सन, हाँ है ना, जो डेरिवेशन में प्लैनेट का मास कैंसिल हो गया था है ना। आर क्या है, आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, आर इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, आर क्या है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट है ना, समझ में आया ना। ठीक है, सो व्हाट विल बी काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट्स क्या होगा, हाफ जीएम एम बाय आर। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग बेसिक एक्सप्रेशन लिखेंगे ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर है ना। स्मॉल एम है प्लैनेट मास, वी जो है स्मॉल एम इज मास ऑफ प्लैनेट, स्मॉल एम इज मास ऑफ प्लैनेट, v क्या है, v इज स्पीड ऑफ प्लैनेट। ठीक है ना, तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर है ना। तो इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्मॉल एम, ठीक है ना, v स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इंटू जी एम बाय कैपिटल आर स्मॉल आर है ना। तो इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाय टू आर, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी, है कि नहीं बच्चों। यस सर। इज इट क्लियर बच्चों, इतना समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। ओके, तो फिर अभी पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन है ना, क्वेश्चंस इसी सब का आता है, काइनेटिक एनर्जी दे देगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, टोटल एनर्जी पूछेगा है ना, या फिर बोलेगा कि वर्क डन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट तक लेने में कितना वर्क डन होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा प्रीवियस स्लाइड दिखाइए। ये प्रीवियस स्लाइड है। यस सर, हो गया। हो गया ना, ओके। ओके, तो है ना, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं ना। तो पहले तो इसको पेस्ट कर लेते हैं है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर फाइंड आउट करें, सो व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है ठीक है ना बच्चों, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो है, तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो कुछ ऐसा होगा कि पोटेंशियल एनर्जी है मान लो माइनस जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी है ना, आई कैन से दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, उसका एक्सप्रेशन क्या है,
सन के सेंटर से रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन जो है वो डिस्टेंस लेना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू रेडियस ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है ना। तो माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, दो मास के बीच में हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन जो है नेगेटिव है, माइनस जी एम एम बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे डिस्टेंस क्या लोगे, यहाँ पे डिस्टेंस क्या लोगे, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ प्लैनेट, है ना। यहाँ पे आर क्या है, हाउ डू यू टेक डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ प्लैनेट, टू सेंटर ऑफ प्लैनेट, समझ में आ रहा ना। सो टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना। इंप्लाइज व्हाट इज टोटल एनर्जी, है ना, दैट इज इक्वल टू, और दैट इज टोटल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। बेसिकली टोटल एनर्जी क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी होगा ना, मैकेनिकल एनर्जी। वो कितना होगा, जी एम स्मॉल एम बाय टू आर, है ना, फिर माइनस जी एम स्मॉल एम बाय आर, ठीक है ना। सो इंप्लाइज मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन टू आर, समझ में आया ना बच्चों। तो ये मैकेनिकल एनर्जी है, माइनस जी एम एम बाय टू आर, है ना, फॉर एनी बाउंड सिस्टम, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी, द नेट एनर्जी फॉर ऑफ ए बाउंड सिस्टम इज नेगेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। द टोटल एनर्जी, है ना, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ बाउंड सिस्टम इज नेगेटिव, नेगेटिव, है ना। दैट इज द रीजन व्हाई, है ना, टू सेपरेट ए सिस्टम, जब हम सिस्टम का असेंबल करते हैं तब क्या होता है कि वी डू सम वर्क ऑन द सिस्टम एंड दैट गेट्स डेवलप्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और नेट मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो नेगेटिव होता है। तो उसको अलग करने के लिए, डी असेंबल करने के लिए ना, सेपरेट करने के लिए, यू हैव टू प्रोवाइड एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। Hence, energy has to be provided to the system, has to be supplied to the system, है ना, to, है ना, to unbound, है ना, the particles of the system, है ना, or to set, है ना, so that the particles of the system are to set free, उनको free फिर से बनाने के लिए particles को, है ना, तुमको system को energy provide करना पड़ेगा, है ना, बाहर से। हेंस समझ में आ रहा है, हेंस एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम, एनर्जी हैज टू बी provided to the system, है ना, to set the particles free,
ठीक है ना बच्चों। तो बेसिकली पार्टिकल सिस्टम के पार्टिकल्स को फ्री बनाने के लिए है ना, सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है ना? ठीक है ना। तो एनर्जी हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द सिस्टम टू सेट द पार्टिकल्स फ्री, पार्टिकल के सिस्टम को फ्री करने के लिए है ना, पार्टिकल्स के सिस्टम को फ्री करने के लिए पार्टिकल्स को मतलब सिस्टम को एनर्जी है ना प्रोवाइड करना पड़ता है। सेट द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ठीक है ना, समझ में आ रहा है बच्चों? ये एक्चुअली तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा, जब न्यूक्लियस के अराउंड एटम्स है ना रिवॉल्व करते हैं, है कि नहीं बच्चों? जब न्यूक्लियस के अराउंड एटम्स रिवॉल्व करते हैं तब क्या होता है ना, जो टोटल एनर्जी है एटम बाउंड टू न्यूक्लियस का, ठीक है ना, एटम न्यूक्लियस सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है, आई मीन सॉरी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस सिस्टम का, ठीक है ना, पूरा एटम का जो नेट बाइंडिंग एनर्जी है, या फिर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस मिला के जो एटम है उनका जो कंबाइंड एनर्जी है वो नेगेटिव होता है, उनका जो कंबाइंड एनर्जी है वो नेगेटिव होता है, कंबाइंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम नेगेटिव होता है कि नहीं, एटम स्ट्रक्चर में पढ़ा है कि नहीं? यस सर। यस सर। याद है? यस सर। हां सर। नेट एनर्जी जो है वो नेगेटिव होता है, कोई भी बाउंड सिस्टम का नेट मैकेनिकल एनर्जी नेगेटिव होता है, कोई भी बाउंड सिस्टम का नेट मैकेनिकल एनर्जी जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके सो नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेज, मैकेनिकल एनर्जी ये हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। एस्केप वेलोसिटी है ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब हम स्कूल में होते हैं तो, है ना? तो कौन सा वेलोसिटी से कोई पार्टिकल को थ्रो किया जाए कि बाहर पर? ग्रेविटी से कितना वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जिससे वो अर्थ का ग्रेविटेशन पुल को ओवरकम करे, मतलब ओवरकम करेगा मतलब बाहर ही चला जाएगा, वापस ही नहीं आएगा, ओवरकम करेगा मतलब है हम जिसको फेंकते हैं बेसिकली, है ना, तो वो वापस तो आ जाता है ना, तो ये रिटर्न नहीं आएगा। हाँ ये रिटर्न नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो जिस वेलोसिटी से है ना ओवरकम करने का मतलब है बेसिकली, है ना, लेमैन लैंग्वेज क्या है कि है ना कि मतलब है ना कोई पार्टिकल को फेंक दे अर्थ के सरफेस से बाहर, ठीक है ना, है ना, तो वो वापस कभी नहीं आना चाहिए मतलब अर्थ के सरफेस पर, है ना। बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी जनरल वेलोसिटी में पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस आ जाता है, कोई भी जनरल वेलोसिटी में अगर हम पार्टिकल को फेंकते हैं तो बेसिकली हमेशा क्या होता है कि वो पार्टिकल जो है वो वापस आ जाता है। मान लो यहाँ पे पार्टिकल है ना, इसको फेंका तो बहुत चांसेस है कि है ना वो वापस भी आ जाता है ना, लेकिन ना कुछ ऐसा वेलोसिटी देना है सो दैट ये कभी वापस नहीं आएगा, या फिर अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको ओवरकम करेगा, है ना, उसको ओवरकम करेगा मतलब उसको एस्केप कर जाएगा कंप्लीटली, है ना, एस्केप ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ठीक है। तो मान लो वो इन्फिनिटी भी हो सकता है, मतलब बेसिकली वो पॉइंट इसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं, है ना, हो सकता है क्या मतलब इन्फिनिटी में चला जाएगा अनडिफाइंड पोजीशन में, जहां पे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है ना जीरो है, ठीक है। तो है ना एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, द मिनिमम प्रोजेक्शन वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी क्या है, मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल
विल बी प्रोजेक्टेड, मतलब कितना मिनिमम वेलोसिटी के साथ उसको फेंका जाएगा, है ना, मिनिमम है ना प्रोजेक्टेड वेलोसिटी। प्रोजेक्टेड वेलोसिटी है ना, तो बेसिकली इसको फाइंड आउट करने के लिए है ना, मान लो हम मिनिमम वेलोसिटी को लेते हैं यू, लेट्स से द मिनिमम वेलोसिटी क्या है ना, अच्छा मान लो कुछ वेलोसिटी यू से हमने फेंक दिया, जब हम यू से फेंक रहे हैं, समझ में आया, ठीक है, जब हम मान लो कुछ यू वेलोसिटी से फेंका, अब इंफिनिटी में जाते जाते उसका वेलोसिटी यहाँ पे वी है, मान लो जब अर्थ का मतलब है ना ग्रेविटेशनल पुल एस्केप कर लिया तब उसका वेलोसिटी वी है ना, तो ये जो वी है अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप कर लिया तो है ना, तो फिर वहां पे जो वेलोसिटी उसके पास है वो तो फिर चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिटार्डेशन नहीं आ रहा है ना, और उसके ऊपर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट नहीं कर रहा है ना, लेकिन जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था, जो यू वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्ट किया था है ना, तो यू जो है वो डिक्रीज करेगा कि नहीं ड्यू टू रिटार्डेशन प्रोवाइडेड बाय अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, यू जो है वो डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि यू जो है यू इज द वेलोसिटी इंपार्टेड है ना इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड रीजन ऑफ अर्थ, और जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे ये वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, समझ में आया, मान लो इंफिनिटी में उसका वेलोसिटी आ गया कितना v, ठीक है ना, तो v जो है ना वेलोसिटी अटेंड एट अनडिफाइंड पोजीशन है ना, वेलोसिटी अटेंड है ना आफ्टर है ना, द वेलोसिटी अटेंड आफ्टर एस्केपिंग ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, तो v क्या है द वेलोसिटी अटेंड आफ्टर attained after escaping gravitational pull of earth, theek hai na bachcho na, so this is basically the velocity attained after attaining escaping gravitational pull of earth hai na, which remains constant, which remains constant, जो कि constant ही रहता है, वो change नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद तो उसके ऊपर gravitational force ही नहीं है ना, which remains constant, है ना बच्चों, तो ये अगर constant रहता है, ठीक है ना, तो basically होगा क्या, अगर हम मान लो energy conserve करेंगे, एनर्जी बेसिकली कंजर्व होगा, ओनली फोर्स दैट इज वर्किंग हियर इज ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, है ना, ओनली यहां पे क्या हो रहा है कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है बॉडी के ऊपर, है ना, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स, है ना, हेंस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कंजर्व्ड, आई मीन द सिस्टम अर्थ और उसका कंबाइंड एनर्जी जो है ना ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, समझ में आ रहा है ना बच्चों, इतना समझ में आ रहा है, यस सर, भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाएगा, तो मान लो मास और पार्टिकल स्मॉल m है, पार्टिकल का जो मास है मान लो वो स्मॉल m है, ठीक है ना, तो सरफेस ऑफ अर्थ में मैकेनिकल एनर्जी कितना है, माइनस जी एम है ना इनटू स्मॉल m बाय r प्लस इसमें पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर that is equal to है ना minus gmm by infinity, तो ये zero हो जाएगा, plus half m
वी स्क्वायर। ये मैकेनिकल एनर्जी चाहिए ना, मतलब ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी का इक्वेशन हुआ ना कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी से। बच्चों समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। यस है ना? यस सर।